तो जिन नए दिन और नए ब्लॉग के साथ भाई आपकी खिदमत में हाजिर है। ठीक है, तो आज हम जिस टॉपिक पे बात करेंगे वो है डमी फ्लाइट बुकिंग, कि आप किस तरह अपने किसी भी कंट्री के लिए आपने कोई भी वीज़ा फाइल किया है, चाहे टूरिस्ट वीज़ा हो, स्टडी वीज़ा हो, उसके लिए जब आपने वीज़ा फाइल करना होता है साथ आपने फ्लाइट बुकिंग के प्रूफ देने होते हैं, तो उसके लिए आप ओरिजिनल यानी सही वाली फ़्लाइट बुक नहीं करते, आप डमी फ्लाइट बुक करके उसके डॉक्यूमेंट्स को साथ लगा सकते हैं। ठीक है, वीज़ा फाइल करते वक्त तो मेनली आज मैं जिस कंट्री के लिए बनाना चाह रहा हूँ वो है इटली के स्टडी वीज़ा के लिए लोग को बताना चाह रहा हूँ कि किस तरह आप अपनी फ़्लाइट बुक कर सकते हैं। तो चलते हैं, तो हम अपनी फ़्लाइट बुक करेंगे कतर एयरवेज की। ठीक है, तो कतर एयरवेज और इनकी ऑफिशियल वेबसाइट पे जाएंगे हम। ठीक है, नीचे वाली इस पर हम चले गए हैं, अब हम यहाँ पे अपनी बुक कर दें। ठीक है, क्योंकि आपने वन वे की सिलेक्ट करनी है क्योंकि आप स्टडी वीज़ा पे जा रहे हैं। ठीक है, तो आपको कोई इतना पता नहीं है कि कब आपकी वापसी हो, तो वन वे भी क्लिक करनी है। तो जी मैं लाहौर से जाना चाह रहा हूँ। ठीक है, और यहाँ से आपने सिलेक्ट करना है कि कहाँ पे जाना है आपने टू। ठीक है, तो मेरा जिस यूनिवर्सिटी में हुआ है वो मसीना है, तो मसीना के करीब तीन जो एयरपोर्ट मुझे पता है वो है जी कैलब्रिया। ठीक है जी, ये वाला तो इससे मैं सेलेक्ट करूँगा। और आपने जो डेट सेलेक्ट करनी है यहाँ पे अपनी फ्लाइट बुक की, वो अपनी यानी क्लासेस स्टार्ट होने से 10 या 15 दिन पहले की करनी है, यानी फ्लाइट बुक करनी है। ठीक है, आपको 10 या 15 दिन पहले जाना चाहिए अपनी क्लासेस स्टार्ट होने से। मेरी 30 सितंबर को क्लास शुरू हो रही है, तो 15 15 की अपनी फ्लाइट बुक करूँगा। ठीक है, और 15 नहीं, हम ऐसा करते हैं 16 की करते हैं, 15 की छोड़ें। ठीक है, हम 16 की फ्लाइट बुक करेंगे। ठीक है, वो सर्च फ्लाइट पे क्लिक कर दूंगा मैं। इसके बाद फर्दर जी हम अपने लॉस्ट फेयर है इस दिन का, वो है 253 यानी 253 के तक हमें मिलेगी, जो सबसे सस्ती है। ठीक है, ये हमें लॉस फेयर के साथ शो हो रही है, दो स्टॉप्स हैं इसमें और 28 घंटे 25 मिनट की फ्लाइट है। ठीक है, तो हम इसे चूज़ कर लेंगे। ठीक है, इसे सेलेक्ट करेंगे इकॉनमी, तो नीचे से हम अपना फेयर सेलेक्ट करेंगे, तो सेलेक्ट फेयर इकॉनमी वाला हम करेंगे। ठीक है, 253 के पाकिस्तानी रुपीज़ में ये हमें पड़ रही है फ्लाइट। तो इसमें हम कुछ चीज़ नहीं, क्योंकि हम डमी कर रहे हैं ना वो। ठीक है, अगर डमी नहीं कर रहे होते तो आप देखते हैं यार स्टॉप्स कितने हैं और कितने घंटे की फ़्लाइट है, सबसे कम घंटे की फ़्लाइट आप चूज़ करते हैं। ठीक है, तो उसमें हर चीज़ आप देखते हैं, या हम डमी कर रहे हैं तो इस बात पर हमने गौर नहीं किया। तो यहाँ पे आप अडल्ट एक फर्स्ट पैसेंजर हमने ऐड किया था ना, जाना चाह रहा है, तो उसकी डिटेल आप देंगे यहाँ पे क्लिक करके अडल्ट वन पे। ठीक है, तो मैं अपनी डिटेल वहाँ पे दूंगा, मिस्टर मेल। ठीक है, अपना नेम मोहम्मद मुजम और लास्ट नेम नोबो। ठीक, और डेट ऑफ बर्थ मैं अपनी गर्ल को डेट ऑफ बर्थ दूंगा। ठीक है, क्योंकि ये कॉन्फिडेंशियल इन्फॉर्मेशन होती है। ठीक है, तो वैसे मेरी जो डेट ऑफ बर्थ है वो 2000 में ही है, लेकिन 150 मंथ और। ठीक है, और नीचे आप नेशनलिटी सेलेक्ट करनी है, पाकिस्तान। ठीक है, तो उसके बाद आपने सेव एंड कंटिन्यू पर क्लिक करना है, और फर्दर कंटिन्यू टू कॉन्टैक्ट डिटेल्स में क्लिक करना है। ठीक है, यहाँ पे आप अपना ईमेल एड्रेस देंगे, मैं अपना ईमेल एड्रेस देता हूँ यहाँ पे। ये जी मेरा ईमेल एड्रेस आ गया, और फ़ोन नंबर अपना ऐड करता हूँ 4 0। ठीक है, और यहाँ से आप क्लिक करके अपनी सीट चूज़ कर सकते हैं, लेकिन उसके एक्स्ट्रा चार्जेस होते हैं। ठीक है, तो मैं आपको ये कहूँगा कि मत यहाँ को चूज़ करें। ठीक है, तो हम रिव्यू एंड पे पे जाएंगे। ठीक है, एज अ कंटिन्यू एज अ गेस्ट करेंगे। ठीक है, तो फर्दर अब मैं तो बताता जी हूँ, आप इस पेज पे आ जाएंगे उसके बाद। ठीक है, तो इसमें ना यानी ये आपको ये आपकी फ्लैट शो हो रही है जो आपने बुक की है। ठीक है, ये आपकी इंफॉर्मेशन,
ठीक है। और यहाँ पे नीचे ये पेमेंट डिटेल्स है, ठीक है, जो आपने पे करनी है, ठीक है। यहाँ पे कह रहे हैं पेएबल अमाउंट भी पे करनी है, यानी ठीक है, तो आपने इससे बनानी है ये पे रकम से, ठीक है। तो आपने क्या करना है, यहाँ पे मोड डिटेल पे चले जाना है, ठीक है। यहाँ पे आपकी सारी फ्लाइट की इंफॉर्मेशन है, यानी जो जो आपने बुकिंग कर रखी है, यानी दो स्टॉप्स हैं हमारे, ठीक है। फर्स्टली लाहौर से दोहा जाएगी, ठीक है, और उसके बाद दोहा में स्टे है 4 घंटों का, उसके बाद दोहा से जाएगी मिलान, और मिलान में 12 घंटों का स्टे है, उसके बाद यानी ये मिलान से कैलब्रिया, ठीक है। तो इस तरह 29 घंटों में हमारी ये फ्लाइट पहुंचेगी लाहौर से कैलब्रिया, ठीक है। यहाँ पे हमारी फ्लाइट का स्टेटस कंफर्म शो हो रहा है, कंफर्म कंफर्म कंफर्म, ठीक है। तो आपने करना क्या है कि आपने ना ये राइट क्लिक करना है और प्रिंट के ऑप्शन पे क्लिक करना है, ठीक है। तो जी आपने सेव एज पीडीएफ कर लेना है, ठीक है। पेजेस और पेजेस ओनली आपने सेलेक्ट कर लेना है, ठीक है। और उसके बाद मार्जिन्स, मार्जिन्स को आपने रखना है कस्टम्स, ठीक, कस्टम पे क्लिक करना है आपने, ठीक है। पहले अगर कोई और ऑप्शन क्लिक किया तो उसके बजाय आपने कस्टम पे क्लिक कर देना, तो ये यहाँ पे ना आपको ये ब्लू लाइन शो होनी शुरू हो जाएगी, ठीक है। तो आपने ना ये परचेज कंडीशन से ऊपर ऊपर ना यानी ये कॉन्टैक्ट डिटेल तक अपनी सारी ना सेलेक्ट कर लेना है, ठीक है। इतने का आपने प्रिंट लेना है, ठीक है, बाकी जीरो हो गया। और सिर्फ आपने इतना कॉन्टैक्ट डिटेल तक अपना यानी ये आपकी सारी इंफॉर्मेशन है, इसका आपने प्रिंट निकाल लेना है, नहीं तो आप इसको सेव एज अ पीडीएफ कर लेंगे, ठीक है। तो आप इसको कोई भी नाम दे दें, ठीक है, ये रहने देते हैं हम, और इसको सेव कर देना है, ठीक है। तो ये हो जाएगी आपकी का फ्लाइट बुक, ठीक है, डमी फ्लाइट बुक हो जाएगी। तो इसको आप किसी भी वीज़ा के लिए लगा सकते हैं, यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। तो फर्दर मैं जी आपको दिखा देता हूँ जो हमारी सेव हुई पड़ी है, ठीक है। ये देखें जी, हमारा फ्लाइट स्टेटस कन्फर्म्ड है, ठीक है। 16 सितंबर की हमारी फ्लाइट है, जो हमारी कंफर्म शो हो रही है, ठीक है। तो जी ये देखिए आपकी सारी डिटेल आ जाएगी, ठीक है। बस इतनी डिटेल का आपने प्रिंट लेना है, आप सेव कर लेना है, और बाद में इसका प्रिंट आप साथ लगा सकते हैं अपनी वीज़ा फाइल में, ठीक। तो होपफुली आपको ये हमारी वीडियो पसंद आई होगी, तो पसंद आई तो प्लीज़ हमारे चैनल को यानी सब्सक्राइब करें, और इस वीडियो को लाइक करें और दूसरे लोगों तक शेयर करें, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इससे फ़ायदा उठा सकें और फ्री में अपनी खुद ही से फ्लाइट बुक कर सकें।